नमस्कार सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो में एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है यहाँ पे एक चीज बहुत सुंदर दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा ये बात निश्चित है आपकी हथेली का जो ये मिडिल क्षेत्र है इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं और आप जो कर्म अपने जीवन काल में करते हैं इसकी वजह से ही करते हैं इसको कर्म स्थान भी कहते हैं ये शनि का क्षेत्र है और शनि आपने देखा होगा एक न्यायप्रिय देवता है ठीक है ना वो हमेशा न्याय करते हैं तो ये आपका कर्म स्थान भी है भाग्य स्थान भी है और शनि का पर्वत भी है इसमें जो उंगली दिखाई दे रही है जो फिंगर दिखाई दे रही है इसको मिडिल फिंगर कहते हैं और हिंदी और संस्कृत में मध्यमा इसको कहते हैं बीच की उंगली ये इसका अनुपात अगर आप देखेंगे तो एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है आपको शानदार ना बहुत बड़ी है ना छोटी है ना बहुत ज्यादा टेढ़ी है ठीक है ना एक अच्छे आकार में दिखाई दे रही है ये स्पष्ट बता रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है आगे चलकर उसमें वृद्धि होगी शानदार मानसिक क्षमता आपकी रहेगी साथ में आप देखेंगे तो जो ये आपका गुरु पर्वत है देवगुरु बृहस्पति हैं जो उस पे बनने वाली जो उंगली है आपकी ये पूरी तरह से झुक रही है इसका झुकाव कैसे दिखाई दे रहा है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ ये सबसे अच्छा माना जाता है इसका मतलब है आपके अंदर जो आध्यात्मिक ताकत है उसमें भी वृद्धि होगी और आने वाले समय में ये आपको फायदा दिलाएगी तो आपकी मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी है ढाई वर्षों के बाद से क्योंकि ढाई वर्षों तक ये क्या है बहुत नॉर्मल साधारण अवस्था में बैठा हुआ है और शनि की तरफ देख रहे हैं इसका परिणाम अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन ढैया में है तो ढाई वर्षों के बाद से आपके अंदर जो स्वाभिमान की भावना है ये वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है विवेक जागृत होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा व्यक्तित्व तो रहेगा कि औरों की भी आप मदद करने वाले व्यक्ति रहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे और इन सब के कारण आपका भाग्य आपका साथ देगा लेकिन आपका एक्चुअल भाग्य कब से साथ देगा जीवन काल के पैंतीसवें वर्ष से जो आपके जीवन में पैंतीसवां वर्ष है तो आपके जीवन में पैंतीसवें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है अब यह कैसा है यह देखेगा ये आपकी जो है आप ध्यान से देखेगा कि आपकी हृदय की लकीर है यह आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी यहां से निकल करके जीवन की रेखा है यहां से निकल करके जाती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है और इन सब से एक आकृति बन रही है जिसको अंग्रेजी में एम कहते हैं यह बन रही है तो सबसे पहले ये क्या बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं जिनसे शरीर बना है फाइव एलिमेंट आपके शरीर में जो आठों चक्र मौजूद हैं आपकी जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म की इंद्रियां हैं उनके अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली बता रही है आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति में मौजूद माँ भगवती पार्वती जी हैं और अपने आराध्य और अधिष्ठात्री देवी की जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होने वाली है अब कितना होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है दूसरा आपकी जो ये एम आकृति है ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जीवन काल के थर्टी फाइव ईयर से पैंतीसवें से लेकर के और पचपनवें वर्ष के बीच में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होती जाएगी बहुत अच्छी होती जाएगी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे और जो आपका करियर का मामला है जो आपका जो है धन का मामला है उसमें ज़्यादातर अस्थायित्व की प्राप्ति हो जाएगी अब अभी क्यों नहीं है अभी इसलिए नहीं है कि आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये एका एक यहाँ पर जो है हृदय रेखा पे मिल रही है जब ये एका एक हृदय रेखा पे मिलती है आगे नहीं बढ़ती है पूर्ण अवस्था में नहीं आती है तो व्यक्ति के जीवन में विशेषकर उसका भाग्य बहुत ज्यादा उसका साथ नहीं देता है ऐसे लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को जीवन में उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं कई बार अस्थिरता की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति के कार्य हैं वो विलंब ज़्यादा होते हैं एक कार्य के लिए कई बार जो है व्यक्ति को भागना पड़ता है जिस कार्य को एक दिन में पूरा होना था वो दस दिन के भागा दौड़ी काम में पूरा होता है ठीक है ना कभी छोटी मोटी अड़चने लगी रहती है और करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है दूसरी बात यह फैक्ट है जब भी ये हृदय रेखा में समाहित होती है और आगे नहीं बढ़ती है तो ऐसे में व्यक्ति भावनाओं की बसीबूत होकर निश्चित ही अपने जीवन काल में गलत निर्णय लेता है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस प्रोग्रेस को पाना उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा जो है खराब स्थिति में आ जाती है नहीं पाता है वो व्यक्ति मुश्किल हो जाता है तो क्या करना चाहिए एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत भावनाओं की वसीबूत हो के कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है दूसरी बात करियर और धन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शानदार स्थिति में आने के लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है एक प्रकार का मेडिटेशन है एक प्रकार का योगा है वो ऑडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ आपको वो हमेशा करना है तीन महीने तक दिन में दो बार करेंगे एक सुबह के समय करेंगे स्नान इत्यादि करके नाश्ता करने के आधा या एक घंटा पहले एक रात्रि के समय करेंगे जो आपका डिनर है डिनर करने के आधा या एक घंटा पहले रोज तीन महीने तक करेंगे और उसके अलावा रात्रि का एक महालक्ष्मी का मैं जाप दे रहा हूं, उसकी विधि दे रहा हूं, उसी विधि से जो है महालक्ष्मी की पूजा करनी है निश्चित तौर पे जो है भाग्य आपका साथ देने बैठ जाएगा आपकी हथेली की ये रेखाएं परिवर्तन की स्थिति में आ जाएंगी और इनका शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेगा ठीक अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन एक शाखा निकल करके धीरे धीरे इसमें बढ़ रही है तो ये रेखा चाहे यहीं तक रहे लेकिन जो शाखा अगर पूरी स्पष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से ढाई वर्षों के बाद आप देखेंगे चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है उसमें अस्थायित्व की प्राप्ति होने बैठ जाएगी ठीक अब दूसरी बात देखेंगे ये हृदय की रे, इस रेखा के बारे में बात की थी वही संकेत आपका अंगूठा बता रहा है यहां पे अंगूठे में देखें तो पहला पौरवा काफी छोटा है लेकिन नुकीला और लंबा दिखाई दे रहा है छोटा तो है लेकिन नुकीला है लंबा है इसका मतलब इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और इच्छा शक्ति को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति के अंदर जज्बा है और व्यक्ति अपने जीवन काल में कामयाब होगा हाँ दूसरा पौरवा आपका काफी लंबा है पहले पौरवे से तो यह बता रहा है थोड़ा ध्यान देना है आप अपने जीवन काल में अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेना है और देखिएगा 35वें वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय है फिर आपके जीवन में जो बयालीसवां वर्ष है उसमें अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं अभी दिखाता हूं मैं फिर आपके जीवन का छप्पनवां वर्ष भी आपके जीवन काल के लिए बहुत शानदार है हां शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी आपका रहने वाला है कम से कम थर्टी फोर ईयर तक ठीक है ना और घर परिवार का भी जो सुख है आपको थोड़ा कम मिलेगा ये स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है ठीक है ना ये स्पष्ट तरीके से इन चीजों को बता रहा है अब दूसरा देखिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको ये मत कहिएगा कि कभी वो हृदय रेखा पे ले जा रहा है सीधा अंगूठे पे ले जा रहा है फिर पर्वत पे ले जा रहा है नहीं जो जो योग बन रहे आपको समझा रहा हूं एक महाशाई जी ने मुझे तो व्हाट्सअप पे धमकी भी दे रखी है कि हम आपके ऊपर केस करेंगे ये करेंगे वो करेंगे आप लोगों को बताते हैं क्यों बताते हैं वो उनकी थिंकिंग है यहाँ पे देखेगा ये दो लकीरें हैं स्पष्ट हो रही है और जैसी ही आपकी इन लो, दो लकीरों के अलावा ये लकीर स्पष्ट हो जाएगी ठीक है ना यकीन मानिएगा फोर्टी टू ईयर में अभी नहीं ये बयालीसवें वर्ष में दिखाई दे रहा है बयालीसवें वर्ष में ये चीज आपको आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ी सफलता तरक्की को दिलाएगी ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है धन है प्रतिष्ठा है मान सम्मान है सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही है आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे हां थोड़ा आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगा उससे आपको संभल कर चलना चाहिए आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगे धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चटकर कर आप हिस्सा लेंगे दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है बयालीसवें वर्ष से धन के लिए यह योग शानदार कहलाता है व्यापार इत्यादि चीजों को भी दिखा रहा है और व्यापार में विशेष सफलता को भी आपके हथेली का ये योग बता रहा है अब दूसरी बात देखेगा यहाँ पे आपका कलाई का क्षेत्र है इसमें केवल दो रेखाएं स्पष्ट रूप से बन रही है कलाई में दो रेखाओं का मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को पाएंगे हालांकि 34वें वर्ष तक का जो समय है उसमें संघर्ष काफी ज्यादा है लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे हर सुख का आप भोग भी करेंगे ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है अब देखेगा एक चीज दो चीजें मैं बता रहा हूं एक तो ध्यान से देखिएगा आपकी हथेली में इस प्रकार की रेखाएं हैं और आपकी हथेली में रेखाओं के अतिरिक्त देखा जाए तो जाल भी बन रहा है ठीक है जब ये जाल बनता है हमारी हथेली में राहु की रेखाएं हथेली में काटती हैं ये तो इसका असर बुरा पड़ता है और इसका असर वर्तमान में दिखता है ठीक है न? सबसे पहला इसका असर पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में कंफ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है जीवन में उलझने आने बैठ जाती है जीवन में व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है आप कितना भी कुछ कर लें, एक तो बरकत नहीं आती है घर में दूसरा कलह कलेश का माहौल रहता है तीसरा ऐसी स्थिति में धन का संचय नहीं हो पाता है हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है कितना भी आ जाए चौथा ये आपको कहीं ना कहीं दरिद्रता की ओर ले जाती है और तीसरा इसका असर पड़ता है आपके रिश्तों पर खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता परिवार का रिश्ता और कुटुंब का जो रिश्ता होता है उस पर यह तीव्र प्रभाव देता है उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है व्यक्ति वो नहीं कर पाता है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं ठीक है ना चौथा इसका जो प्रभाव है ये पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो उसमें बिकार आने की कोशिश हो जाती है बिकार आने लग जाते हैं ठीक है ना? और पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है वो पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे आपकी प्रोग्रेस पे व्यक्ति का जो सफलता का स्तर होता है वो नीचे की ओर खिसकने बैठ जाता है माइनस की ओर जाने बैठ जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेंगे और इसको खत्म कैसे करना है क्या कोई तंत्र पाठ करना है नहीं कोई माला जाप करनी है नहीं आपको मैं एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं आपको एक विधि के अनुसार दिए हुए समय तक वनस्पति स्नान करना है और वनस्पति स्नान के बाद एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं तीन महीने तक आपको दिव्य सूर्य क्रिया दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है छोटे छोटे उपाय है और आप करने में बड़े खुश होंगे वो ऐसा नहीं है कि बोरिंग वाले उपाय नहीं है शानदार उपाय है करेंगे तो जबरदस्त आपको अपने जीवन काल में लाभ होगा अब यहां पे देखेगा आपका बृहस्पति क्योंकि ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है ऋषि ग्रह है देवगुरु है और इसकी महिमा बहुत ज्यादा है यहां पे यह वर्तमान में शनि की तरफ झुका हुआ है ढाई वर्षों तक इसका मतलब है परिवार को लेके चिंताएं हैं मन में स्पष्ट तरीके से और खासकर दाम्पत्य जीवन है परिवार का सुख है और कुटुंब का सुख है उसके आगे परिस्थितियां बड़े रूप में खड़ी हो रही है ठीक है ना और तीसरी बात ये कर रहा है ये यहाँ पे क्या है बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में यह आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं सामान्य व्यक्तित्व तो देते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना ऐसे में संघर्ष बढ़ता है व्यक्ति व्यक्ति का, कई बार अपने आप को अकेला महसूस करता है और ऐसे में गुरु मिलना कठिन हो जाता है सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और खासकर शिक्षा का क्षेत्र है इंजीनियरिंग का क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र है मैनेजमेंट का क्षेत्र है वाणिज्य का क्षेत्र है कानून का क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम कर रहा हो काम करने की सोच रहा हो तो उसमें जो कामयाबी उसको मिलनी चाहिए थी वो कामयाबी नहीं मिल पाती है तो इसके लिए क्या करेंगे कुछ ज्यादा नहीं करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया दिव्य सूर्य क्रिया आप जरूर करेंगे वनस्पति स्नान करेंगे अच्छी चीजें होने बैठ जाएंगे आगे जाके इसका फायदा मिलेगा यहाँ पे अब देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ तो यश पाने की चाह नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है हां ढाई वर्षों के बाद से चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी यह निश्चित है यहां पे ये दोनों उंगलियां बराबर हैं धन और यश की भूख है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है इस समय यह उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है लेकिन मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाव में अकाउंटेबिलिटी में फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी भी दिख रही है तो इस कमी को दूर करने के लिए एक तो यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना है ठीक है न दूसरा इसके बारे में तो मैंने बता दिया है आपकी ये वाली अगर हम देखें इस तरह से दिखाई दे रही है हृदय की रेखा आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे देवगुरु बृहस्पति और मिडिल फिंगर के नीचे शनि का जो भाग है इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है ठीक छत्तीसवें वर्ष से ये बता रही है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जाएंगे आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहने वाली है और बहुत आगे बढ़ने की होगी गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो जाएगी और शनि का प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए कामयाबी पाने के लिए एन केन प्रकार एन जो भी आपसे हो जाए आप उसको करेंगे भी ये अच्छे संकेत हैं दूसरा आप देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा की तरफ आ रही है आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा उभरेगी जो मानसिक क्षमता है वो जबरदस्त रहेगी एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और अंत में आपको जो है क्या होगा कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका मिलेगा अंत में ये दो भागों में विभक्त है एक से ज्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है हथेली की पूरी जो है पार कर रही है तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी केयरफुल व्यक्तित्व तो रहेगा और ठीक ढाई साल के बाद जो परिवार के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है जो मैरिड लाइफ है वो संभलने बैठ जाएगी परिवार का सामंजस्य बैठने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं एक सुंदर और अच्छा जीवन आप आगे चलकर जिएंगे ये स्थिति साफ दिखाई दे रही है करियर और धन की रेखा के बारे में हमने स्पष्ट तरीके से बता दिया है एक रेखा इस तरह से जा रही है एक इस पर जा रही है ये कल्पनाशीलता को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है इस चीज पे थोड़ा सा लगाम लगाना है शुक्र का अगर हम भाग देखें शुक्र बहुत अच्छा है लेकिन अभी इसमें रेखाओं का जाल है ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को दे रही है व्यक्ति का जीवन सब कुछ होते हुए भी संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ महसूस हो रहा है क्यों क्योंकि ये तो ठीक है लेकिन जाल है और ये जो है कमजोर है अगर ये बड़ा पुष्ट हो जाए तो इसका जबरदस्त फायदा मिलता है बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक प्राप्ति होनी चाहिए थी वो अनुभूति नहीं हो पा रही है तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं जरूर करें तीसरी बात आगे चलकर इसके फायदे अच्छे होंगे एक तो अपने को मेंटेन रखना अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना अपने को सज संवार कर रखना ये चीजें ज्यादा रहेंगी नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा चाहे नए प्रकार का फैशन हो नए प्रकार के कपड़े हो या नए प्रकार की कोई चीजें हों भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत, बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा चाहे जो है लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्री लग्जरी लाइफ हो आगे चलकर यह आपको चमक देगा यह निश्चित है चकाचौ रखेगा निम्न मंगल थोड़ा ज्यादा उठा है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा आपका ये दोनों मंगल बता रहे लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा थोड़ा हावी रह सकता है इस पर थोड़ा लगाम लगाएं तो इसके लिए क्या करेंगे आप दिव्य सूर्य क्रिया यहां पे अगर हम देखें तो आगे चलकर कई सारी रेखाएं दिख रही है ये अच्छा संकेत है और ठीक थर्टी सिक्स ईयर से ये बता रही है एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करेंगे आपका भाग्योदय चरम सीमा में रहेगा लेकिन थर्टी फोर ईयर तक ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी दे सकता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिससे ज्यादातर तनाव की स्थिति बनी रहे संघर्ष की स्थिति बनी रहे और सुबह उठने में थोड़ा सा जो है व्यक्ति आलस्य ज्यादा करे लेकिन इन चीजों को सुदृढ़ करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया के, के द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है दिखाई दे रहा है लेकिन अभी इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है लेकिन आगे चलकर यश की प्राप्ति होगी ये निश्चित है और आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और जीवन में जो खुशहाली है जो उत्साह है जो ऊर्जा है इसमें वृद्धि होगी और ज्यादा दूर नहीं दो से ढाई साल के बाद आप देखेंगे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा लेकिन दिव्या सूर्य क्रिया आपको जरूर करना है छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पानी की इच्छा ज्यादा रहेगी हरी सब्जी है हरे दाल है और हरे फल है इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें निश्चित ही चीजें बेहतरीन होंगी आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है और चंद्रमा के खराब होने के कारण मन गड़बड़ रहता है मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते होंगे ये दिखाई दे रहा है कई बार मन अच्छा नहीं रहता होगा मन भटकता होगा उच्चाट होता होगा भ्रमित होता होगा ठीक है ना? और जब मन इस प्रकार से रहता है तो कई बार पेट की दिक्कतें ऐसे लोगों को आती है आपको सावधान रहना चाहिए नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतों का सामना हो सकता है तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें भगवान शिव की आराधना करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ आप करने की कोशिश करें निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ अनुपस्थित होऊंगा तब तक के लिए नमस्कार